सुप्रभातम। आज हम कक्षा सात का पांचवा पाठ पंचमय अध्याय क्या पश्यते आगते इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ये पाठ हमने पढ़ लिया था तो आज हम इसके अभ्यास के जो प्रश्न है उनको पूरा करेंगे। देखिए सबसे पहले जो पहला प्रश्न है उसके अंदर कुछ कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों का हमको किस प्रकार से उच्चारण करना है, उनका उच्चारण अभ्यास करना है ताकि हमारी जो है भाषा में संस्कृत भाषा में उच्चारण करने की क्षमता का विकास हो सके। ठीक है, जैसे सुप्रभातम, सुप्रभातम, कई बच्चे जो है इसको सुप्रभातम बोलते हैं, सुप्रभातम बोलते हैं, ये शुद्ध शब्द है सुप्रभातम। ठीक है, सुबह की नमस्कार। स्व पितु, ये है स्व पितु, स्व प्लस तुमुन प्रत्यय, स्व प्लस तुमुन, तो इस प्रकार से सोने के लिए, इसका शाब्दिक अर्थ होगा सोने के लिए। दृष्टवा, दृष्ट धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके ये शब्द बनाया गया है, दृष्टवा देखकर। सांद्र मुद्रिका, संस्कृत के प्रसिद्ध श्लोकों की जो है ये मुद्रिका है, ज्ञान वर्धक या कहते हैं सुक्तियो इत्यादि की जो है एक पुस्तिका है। स्नान आदिकम, स्नान आदिकम, स्नान आदि के कार्य को संपूर्ण करके। दंत प्रक्षालनम, दंत प्रक्षालनम, दांतों को साफ करना, दातून करना, दंत प्रक्षालनम। क्षीरान्नम, क्षीर अन्नम, क्षीर प्लस अन्नम, क्षीरान्नम, खीर। आउटि, आउटि, आउटि का मतलब होता है पिता की बहन, बुआ। स्वादिष्ट, यानी कि खूब ही स्वादिष्ट भोजन। एकाग्र चित्ते, एक तरह से संपूर्ण ध्यान अपने कार्य पर लगाकर एकाग्र चित्त होकर के कार्य को पूर्ण करना। सिद्ध है अर्थात प्यार हो गया, सिद्ध है, सिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है धातु रूपाणि पूर्यत, अर्थात धातु रूपाणि पूर्यत, यहाँ पर नीचे रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इन रिक्त स्थानों में धातुओं का रूप बताए गए निर्देशों के अनुसार भर करके पूरा करना है। तो अब हम जो है इसके अंदर धातुओं का नाम दिया हुआ है, गम, पठ, खाद, क्री, अस, इस्था, और उनके सामने पूछा गया है पुरुष, जो तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसके अनुसार हमको एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों को लकार के अनुसार भर करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है हमसे क्या पूछा गया है, लोट लकार, लोट लकार के बारे में पूछा गया है, यानी कि इनके अंदर आपको लोट लकार के शब्दों को भर करके और इसको पूरा करना है। तो लोट लकार का प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में। ठीक है, तो जैसे कम धातु दी हुई है और प्रथम पुरुष है गच्छतु, एक वचन का शब्द दिया हुआ है और हमको द्विवचन और बहुवचन भरना है। ठीक है, गच्छतु दी हुई है तो द्विवचन में क्या भर देंगे, गच्छताम। और बहुवचन में क्या भर देंगे, गच्छन्तु। तो ये गच्छन्तु। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या बन गया हमारा रूप, प्रथम पुरुष का गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, ये प्रथम पुरुष का हमारा जो है रूप बन गया है। फिर अगला है पठ धातु, और इसमें क्या पूछा गया है, मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष का यहाँ पर देखिए एक वचन रिक्त स्थान में है और बहुवचन रिक्त स्थान में है। ठीक है, अब हमको इस पठ धातु का एक वचन भरना है और बहुवचन भरना है, तो इसमें आ जाएगा एक वचन में पठ, पठतम। ठीक है, पठतम हमको दिया हुआ है और यहाँ पर आ जाएगा पठत, पठ। तो ये हमारा रूप क्या बन गया, पठ, पठतम, पठत। ठीक है,
ये पट धातु का मध्यम पुरुष लोट लकार का रूप बन गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है खाद धातु। खाद खाद जैसा होता है खाना एक वचन और द्वि वचन जो है ये हमारा रिक्त स्थान में भरना है हमको, और खादाम जो है हमको ये दिया हुआ है, यानी कि बहुवचन दिया हुआ है और हमको क्या भरना है द्विवचन और उत्तम पुरुष का एक वचन भरना है। तो एक वचन में आ जाएगा खाद धातु का खादानी। खादानी और दूसरा क्या आ जाएगा खादाव। खादाव और खादाम। ठीक है, बहुवचन में क्या आ गया खादानी। इस प्रकार से हमारा रूप क्या बन गया खादानी खादाव और खादाम। ठीक है, अगला है हमारा क्री धातु प्रथम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन रिक्त स्थान है। ठीक है, द्विवचन हमको दिया हुआ है और बहुवचन हमको भरना है, यानी कि हमको एक वचन और बहुवचन जो है भरना है। कौन सी धातु का क्री धातु का, तो एक वचन में आ जाएगा करोतु। करोतु कौन से में प्रथम पुरुष में करोतु कुरुताम और यहाँ बहुवचन में आ जाएगा कुरवन्तु। कुरवन्तु इस प्रकार से ये हमारा रूप क्या बन गया करोतु कुरुताम और कुरवन्तु। ठीक है, फिर है अस होना। मध्यम पुरुष पूछा हुआ गया है और एक वचन दिया हुआ है एति। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है अस का मध्यम पुरुष एति दिया हुआ है, तो और पूछा गया है द्विवचन और बहुवचन, तो द्विवचन में आ जाएगा एतम। एति एतम और इस ठीक है, ये हमारा रूप क्या बन गया एति एतम और इस्तम। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगले प्रश्न के अंदर जो है हमको क्या दिया हुआ है इस्था यतिष्ठ धातु और उत्तम पुरुष पूछा गया है, तो हम जो है यहाँ इसका एक वचन और द्विवचन जो है ये हमको भरना है और बहुवचन हमको यहाँ पर दिया हुआ गया है तिष्ठाम, तो यहाँ उत्तम पुरुष में आ जाएगा तिष्ठानी। ठीक है, द्विवचन के अंदर क्या आ जाएगा तिष्ठाव भर दीजिए यहाँ पर तिष्ठाव, और बहुवचन में क्या आ जाएगा तिष्ठाम। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा जो है लोट लकार की धातुओं का जो रिक्त स्थान का कार्य था वो संपूर्ण हो गया। इसी प्रकार से अब है हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या तीन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या तीन रिक्त स्थानामी ओरियत। नीचे हमारे संस्कृत के वाक्य दिए गए हैं और इनके अंदर हमको ऊपर जो हमारे पद दिए हुए हैं इनको हमको रिक्त स्थान में भर करके इन इन वाक्यों को सार्थक अर्थ में जो है हम पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर पद देख लीजिए, मंजूषा देख लीजिए, प्रच्छन्तु पीबतु उत्तिष्ठन्तु रक्षताम वदतम रचयत। इस प्रकार से ये एक दो तीन चार पांच और छह शब्द दिए हुए हैं और हमारे पास जो है वाक्य भी छह। अब हमको इसको ध्यान पूर्वक भरना है, सिर्फ ध्यान हमको इतना लगाना है कि इस वाक्य जो दिए गए हैं ये वाक्य जो है कौन क्या करता है। तो जैसे सैनिक क्या करता है सीमा की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है अपना जो है, ये हमको इसमें देखना है। ऐसा ही शब्द उसके सैनिक से संबंधित शब्द जो है वो इस हमारे पदों के अंदर आपको अलग से ही दिखाई दे जाएगा। तो देखिए शिशु दुग्धम बच्चा दूध, तो क्या करेगा बच्चे के लिए दूध किस काम के लिए आता है पीने के लिए आता है। तो देखिए इसके अंदर हमको प्रच्छन्तु पीबतु उत्तिष्ठन्तु रक्षताम वदतम रचयत इन शब्दों से क्या कौन सा शब्द ढूंढना है,
किन्तु शिशु दुग्धम पिबतु, क्या आ जाएगा पहले के अंदर पिबतु, तो यहाँ पर रख दीजिए। बच्चा दूध पिए, ठीक है। फिर अगला है सैनिकौ सीमां, और फिर यह है रिक्त स्थान। इस रिक्त स्थान के अंदर इनमें से ये हो गया। अब देखिए सैनिक का काम क्या है, सीमा की क्या करना, रक्षताम, रक्षा करना। तो द्वितीय के अंदर क्या आ जाएगा, रक्षताम। तो सैनिकौ, दो सैनिक जो है सीमा की रक्षा करते हैं, रक्त, ठीक है। इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया सैनिकौ सीमां रक्षताम, ठीक है। अगला है युवाम मा, तुम दोनों मुझे क्या है, क्या आ जाएगा, देखिए प्रच्छन्तु उत्तिष्ठन्तु रक्षताम वदतम या रचय। तो अब आप देखिए ये जो है ये मध्यम पुरुष के द्विवचन का वाक्य है, तो अब हमको इसके अंदर मध्यम पुरुष के द्विवचन का एक ही शब्द मिलेगा, तो उसी शब्द को हमको छांटना है इसके अंदर से। तो वह कौन सा है, आप इस आधार पर भी इसको भर सकते हो, वाक्य के आधार पर भी भर सकते हो, विभक्ति के आधार पर भी भर सकते हो, और जहां पर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है उस आधार पर भी इस इन वाक्यों की रचना आप कर सकते हो। तो युवाम माम, अगला क्या आ जाएगा, वदतम। युवाम माम वदतम, वदतम हमने क्यों लिखा, वदतम हमने इसलिए लिखा क्योंकि युवाम शब्द जो है ये मध्यम पुरुष का, त्वम युवाम यूयम इस प्रकार से इसका रूप चलता है, तो ये शब्द जो है मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो यहां पर हमको मध्यम पुरुष के द्विवचन के शब्द को ही भरना है वदतम। कैसे, वदतु वदताम वदंतु वद वदतम वदत, तो यहां पर ये वदतम शब्द आ गया, क्यों, क्योंकि वदतम शब्द भी मध्यम पुरुष का द्विवचन होता है, ठीक है, समझ गए ठीक से। तो अब अगले बताइए, चलिए त्वम मित्रम, ठीक है, त्वम मित्रम, आप अगर इसको वाक्य के आधार पर भरते हो तो वाक्य के आधार पर भर लीजिए, ठीक है। तो ये वाक्य जो है इसका कर्ता जो क्या है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, और अब वैसे भी हम देखते हैं हमारे तीन ऑप्शन तो कंप्लीट हो गए, अब बच गया एक दो और ये तीन, ठीक है, इस प्रकार से देखिए। तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो आप देखिए ये है आपके पास एक एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, इन तीनों में आपको मध्यम पुरुष का एक वचन शब्द ही ढूंढना है। तो देखिए त्वम मित्रम प्रच्छन्तु ये मध्यम पुरुष का एक वचन नहीं है, उत्तिष्ठन्तु ये मध्यम पुरुष का एक वचन नहीं है, तो क्या बचेगा, रचय, तो आप यहां पर भर दीजिए रचय। इस प्रकार से आपका ये सार्थक वाक्य सिद्ध हो गया, पूर्ण हो गया, ठीक है। ते प्रश्नान, ते प्रश्नान, अब आप इसको देख लीजिए, अब यहां पर ये प्रश्नान है, इन प्रश्नों का क्या करें, वे प्रश्नों को क्या करेंगे, या तो लिखेंगे या बोलेंगे या पूछेंगे, कुछ तो करेंगे, तो ते प्रश्नान क्या करेंगे। अब हमारे पास जो है ये भी हो गया, अब हमारे पास बच गया उत्तिष्ठन्तु और प्रच्छन्तु, तो अब हम इसके अंदर क्या भर दें, प्रच्छन्तु, और हमारा जो है वाक्य पूरा प्रच्छन्तु। अब हमने प्रच्छन्तु भर दिया, अब हमको ये देखना है कि यार हमारा वाक्य जो है सही भरा गया या नहीं भरा गया। तो देखिए ते वे सब प्रश्नान प्रश्न को प्रच्छन्तु पूछें, तो हमारा वाक्य सार्थक है, सही है, हमने सही भरा है, इस बात का जो है पूरा विश्वास हो गया। अब लास्ट में हमारा बच गया, आप जो ऑप्शन बच गया उसको भर दीजिए, फिर मैं उसको आपको समझा भी देता हूं, उत्तिष्ठन्तु, ये उत्तिष्ठन्तु, देखिए छात्राः प्रातः एव उत्तिष्ठन्तु, सभी छात्र प्रातः काल में ही उत्तिष्ठन्तु उठें, सभी छात्रों को सुबह ही उठना चाहिए, जल्दी ही उठना चाहिए। इस प्रकार से हमने इसको भर के ये पूरा जो है पूरा कर दिया है रिक्त स्थान के वाक्यों को।
अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानी लोट लकारी लिखत। आगे जो संस्कृत के पद दिए गए हैं इन पदों को हमको लोट लकार में लिखना है, ठीक है। तो कौन से पदों को, तो रेखांकित किए गए हैं जिनके जिनको रेखाओं के द्वारा इंगित किया गया है। तो यहाँ पर जो ये पांच ये दिए गए हैं इनमें जैसे नमती के नीचे रेखा खींची गई है, पूर्वंती के नीचे रेखा खींची गई है, पठामी के नीचे रेखा खींची गई है, लिखता के नीचे, और इसी प्रकार से गच्छा में लिए, यानी कि पांचों जो वाक्य हैं उनके नीचे रेखा खींची गई है। तो हमको जो है लोट लकार में लिखना है। अब हमको यही है कि इसमें ये देखना है, सबसे पहले हमको कर्ता देख लेना है, कर्ता कौन से वचन का है, कौन से पुरुष का है, और कौन से जो है लिंग का है। ये हमको देख करके ही यहाँ पर जो है रेखांकित पदों को पूरा करना है, ठीक है। तो आप देखिए जैसे शिष्य है गुरुम नमति, इस प्रकार शिष्य जो है वह गुरु को नमस्कार करता है, ठीक है। अब हमको इस नमति शब्द को जो है क्या करना है, हमको लोट लकार में, इसमें लोट लकार में लिखना है, ठीक है। तो जो है हम इसको कैसे कर देंगे कि शिष्य है गुरुम, और यहां पर क्या दिया हुआ है रेखांकित शब्द क्या है नमति, तो उसको क्या कर देंगे नमतु, ठीक है। ये नमति के स्थान पर कौन सा शब्द आ गया नमतु, शिष्य गुरुम नमतु, शिष्य जो है वह गुरु को नमस्कार करे, ठीक है। अगला है फिर, ठीक है। तो इस नमति के स्थान पर हमने क्या भर दिया नमतु शब्द भर दिया, और नमतु शब्द किसका है लोट लकार का। अब आगे है से व्यायामम पुरुवंती, अब यहां पर जो है रेखांकित शब्द कौन सा है पुरुवंती, हमको पुरुवंती के स्थान पर ही अब जो है लोट लकार का शब्द भरना है। तो ते वे सब व्यायामम व्यायाम कुरुवंती, अब आप ये देख लीजिए ये बहुवचन का है, तो यहाँ पर जो है लोट लकार का जो आएगा वो भी बहुवचन का ही आएगा। तो यहाँ कुरुवंती के स्थान पर लोट लकार का क्या आ जाएगा पुरवंतु, पुरवंतु, ठीक है। तो हमारा अब वाक्य क्या बन जाएगा ते व्यायामम मम पुरवंतु, ठीक है। पुरवंती के स्थान पर क्या आ जाएगा पुरवंतु, ये शब्द आ जाएगा, ठीक है। पुरवंती शब्द रेखांकित है तो उसके स्थान पर पुरवंतु शब्द आ जाएगा, बाकी वाक्य जो है वो पूरा का पूरा ऐसे भी ऐसे रह जाता है, पूरे वाक्य को ऐसे लिख करके और जो रेखांकित पद है वो बदलवाया गया है और उसी को हमको बदलना है। अगला है अहम श्लोकम पठामी, तो अहम शब्द जो है ये किसका है उत्तम पुरुष का एक वचन, तो हमको पठामी के स्थान पर जो है बदलना है। तो पठामी के स्थान पर क्या आ जाएगा पठानी, लोट लकार का शब्द आ जाएगा पठानी। तो ये हमारा वाक्य क्या बन जाएगा अहम श्लोकम पठानी, तो ये पठानी शब्द जो है ये पठामी शब्द के स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि रेखांकित पद क्या है पठामी शब्द है, ठीक है। और ये उत्तम पुरुष का एक वचन भी है, तो यहाँ लोट लकार में भी उत्तम पुरुष का एक वचन ही आएगा, हमारा कर्ता भी उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हमारी जो है क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन है। अगला है हमारा तऊ सुंदरम लिखत, तऊ सुंदरम लिखत। अब ये तऊ शब्द क्या है ये द्विवचन का है, तो यहां पर भी जो है हमको द्विवचन की ही धातु लिखनी है, तो इसके स्थान पर लिखते के स्थान पर हम क्या कर देंगे लिखताम, लिखताम, ठीक है।
हमने लिखताम कर दिया तो ये किसके स्थान पर आया, लिखते के, और पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, तौ सुंदरम सुंदरम लिखताम, ठीक है। और हमने जो है लिखता है के स्थान पर ये जो रेखांकित पद है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, लिखताम, लिखता है की जगह क्या आ जाएगा, लिखताम, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला है, कहता है वयम शीघ्रम गच्छामे, ठीक है। अब हमको गच्छामे के स्थान पर क्या भरना है, अब देखिए वयम शब्द क्या है, ये द्विवचन का है, उत्तम पुरुष का है, तो यहां पर धातु भी लोट लकार की द्विवचन की उत्तम पुरुष की ही भरनी है, ठीक है। तो यहां पर बहुवचन ये जो है द्विवचन बहुवचन का है, द्विवचन का बहुवचन का, तो यहां धातु भी जो है हम बहुवचन की लिखेंगे गच्छाम, ठीक है, गच्छाम। और गच्छामे के स्थान पर कौन सा क्या आ जाएगा, लोट लकार में गच्छाम आ जाएगा। और फिर हम जो है पूरे वाक्य को वैसे ही वैसे वयम शीघ्रम शीघ्रम गच्छाम बन जाएगा। तो अब हमने देखा यहां पर गच्छामे के स्थान पर लोट लकार में क्या आ जाएगा, गच्छाम आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है वाक्य को पढ़ करके और हम इसका जो है सही सही जो है उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार, थैंक यू।